ये बिल्कुल सही। मैं भी स्मिता करूँगा। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी वालदा की तरफ से और अपनी तरफ से और बिलखसूस आप सबके बड़े भाई राणा सनावला खान साहब की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। राणा सनावला खान साहब से जब लास्ट दो दिन पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आपने सबका शुक्रिया अदा भी करना है और उन सब को इंशाल्लाह जब मैं सुरखरू होके आऊँगा तो ख़ुद भी मैं इन सब दोस्तों के साथ मिलकर फर्दन फर्दन उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। आज एमरजेंसी में मीडिया ब्रीफिंग बुलाने का जो मकसद था हमारा वो ये था कि आप सब दोस्त बिलखसूस मीडिया वाले पिछले चंद दिनों से जब से ये इन्होंने काम शुरू किया है राणा सनावला साहब को अरेस्ट किया है आप सब देख रहे हैं कि रोज़ ब रोज़ ये अजियतें जुल्म और अकूबत खाने की जो अजियत है वो राणा साहब की बढ़ा रहे हैं। राणा साहब को इन्होंने मंडे को पेश किया और उसके बाद रिमांड लिया। रिमांड में कैटागरीली लिखा हुआ था कि वो पेशेंट हैं, उनको घर का खाना और उसके साथ साथ उनको मेडिसिन दी जाए। जब राणा साहब को शिफ्ट कर दिया उस रात हम सब मैं और मेरी वालदा उस जेल में गए। हमने उनका रूटीन का जो सामान था ज़रूरियात ज़िंदगी का जिसमें खाना भी था उनके कपड़े भी थे और सारी चीज़ें थी जो उनको हमने देनी चाहिए तो जेल हुकाम ने हमसे वो लेके रख ली और हमें कहा कि आप चले जाएं। हमें अभी ऑर्डर नहीं है उनसे मिलवाने के लेकिन ये चीज़ें आपकी उनको मिल जाएंगी। हमें तसल्ली दी, हम लोग वापस चले गए वहाँ से। उसके बाद अगले रोज़ फिर हम जाते हैं, चार घंटे जेल के बाहर हम लोग खड़े रहते हैं लेकिन जेल हुकाम ने बिल्कुल हमें उनसे मिलने नहीं दिया। जब पता लगा कि लीडरान हमारे घर में तशरीफ़ ला रहे हैं तो उस टाइम उन लोगों ने हमें कहा कि हम आपको मिला देते हैं तो आप अब जेल में वापस आ जाएं। मेरी वालदा मोहतरमा ने कहा कि नहीं, मेरे भाई आ रहे हैं तो अब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। अगले रोज़ इन्होंने हमें टाइम दिया, हमारी पूरी फैमिली राणा साहब को मिलने गई जिसमें वालदा, मेरी वाइफ, मैं और मेरा बेटा 6 साल का। हम लोग जब वहाँ गए तो पहले तो इन्होंने हमें एक कमरे में बिठा दिया और हमें वेट करवाते रहे। काफ़ी वेट के बाद जेल का जब दरवाज़ा खुला जो उनके अंदर होता है तो डिप्टी साहब के साथ एक शख्स नमूदार हुआ जिसे एक पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ बाजू से। मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा, मैं, मेरी वाइफ, हम राणा साहब को पहचान नहीं सके। उनके गंदे कपड़े, उनकी शेव बड़ी हुई और वो लड़खड़ाके चल रहे थे। वो हमारे पास आए, हम सब परेशान हो गए। अगर मेरी जगह आप लोग वहाँ मौजूद होते तो मेरा ख्याल है कि आपके भी आँखों से आंसू टपक पड़ते जो राणा साहब की उन्होंने हालत की हुई थी। हमने उन्हें बिठाया, पानी का गिलास पड़ा था वो उन्हें पिलाया, उनसे पूछा कि जो सामान हम लोगों ने आपको भिजवाया था उसका इन्होंने आपको दिया कि नहीं दिया, वो खाना आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। राणा साहब कहते मुझे तो ये कह रहे थे कि आपके पीछे तो कोई आया ही नहीं, आपके घर वालों ने तो आपका पूछा नहीं और सामान तो दूर की बात, मुझे तो पानी भी अगर मैं मांग रहा था तो मुझे गदले पानी में दे रहे थे, एक गिलास में गंदा सा पानी था। उस टाइम मुझे शक पड़ा। मेरी वालदा ने कहा कि उसके अंदर कुछ आपको मिला के तो नहीं दे रहे जो आप इतना वीक हो गए। 2 दिन के अंदर वो शख्स इतना वीक हो गया कि हम पहचानने से कासिर थे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बाबा की कभी शेप बड़ी नहीं देखी, उनकी शेप बड़ी हुई थी तो उनकी जो कंडीशन थी आप लोग इमेजिन कर सकते हैं।
उन्होंने हमें तसल्ली दी कि आप लोग बिल्कुल तसल्ली में रहो, मैं यहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा हूँ। आप बाहर जाके जो जो दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करें, उन्हें कहें कि अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग आ गए, सामान उन तक पहुंच गया। अगले रोज़ कल बरोज़ जुमतुल मुबारक एडमिनिस्ट्रेशन की हदायत के मुताबिक हम लोग फिर वहाँ पे गए। हमारा पहले वकील गया, कौंसल गया, उसने इन द लाइट ऑफ दैट ऑर्डर विच इज़ पास्ड बाय मजिस्ट्रेट कि आप राणा साहब की हेल्थ कंडीशन के मुताबिक उन्हें घर का खाना और मेडिसिन प्रोवाइड करें, वो प्रोवाइड किया गया उनको। जब वो लेके गया तो उन्होंने लेने से मना कर दिया कि जी इन ऑर्डर्स को क्लियर करवा के लेके आए, इनकी क्लैरिटी करवा के लेके आए। मदर ने अपनी टॉक्स के अंदर ऑलरेडी वो जो रिपोर्ट्स हैं उनकी लेटेस्ट वो सबको दी हुई हैं, उनको बताया हुआ है कि 2004 के अंदर उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद 35 साल से वो डायबिटिक पेशेंट हैं। उसके बाद जब मुशरफ के कुबत खाने में रखा गया उनको, तो उनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, वो ज़मीन पे बैठ नहीं सकते। और लेटेस्ट 2 मंथ अगो रमज़ान में उनको बड़ा सीरियस किस्म का क्लॉट हुआ है, जिसकी बेस पे उनकी राइट साइड की जो आई है वो 90% विजन नहीं है उसके अंदर। वो मेडिकेशन पे हैं, उनका जो टाइम है हम लोगों ने दिखाने के लिए डॉक्टर से आउट ऑफ कंट्री लिया हुआ है, जो उनके कंसल्टेंट हैं उन्होंने। लेकिन बात करने का ये मकसद है कि उनको जिस अकूबत खाने में रखा गया है वहाँ पे ना पंखा है, ना किसी किस्म की कुर्सी है, ना बेड है, ना चारपाई है, ना टेबल है, सिर्फ 2 चटाइयाँ बिछा के नीचे रखी गई हैं। और कहा जाता है कि राणा सनावला खान साहब को एंटी नारकोटिक्स के लॉ की वजह से हम ये चीज़ें जेल मैनुअल के अंदर नहीं हैं। मैं आपके तवस्सुत से पूछता हूँ कि उस जेल मैनुअल का क्या काम या जेल मैनुअल का क्या फ़ायदा कि उनको कानून एक आम शहरी भी समझता है कि राणा साहब अभी हवालाती हैं, अभी हवालात में हैं, अभी केस तो चला नहीं, अभी चलान तो आया नहीं, अभी ट्रायल तो स्टार्ट हुआ नहीं। तो जो उनके बेसिक राइट हैं एक पार्लियामेंटेरियन के, जो उनके बेसिक राइट हैं एक पाकिस्तान के शरीफ शहरी के, वो तो उनको दिए जाएं, हम भीख नहीं मांग रहे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि उनकी हेल्थ के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। हमने आज रिट पिटीशन, कल रिट पिटीशन की है, उसकी अभी तक तो किसी किस्म का हमें जवाब नहीं आया। हमने मेडिकल बोर्ड फिल 4 बनवाने की पिटीशन की है, उम्मीद है कि मंडे तक वो आ जाएगा, मेडिकल बोर्ड भी बन जाएगा, वो उनको एग्जामिन भी करे। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा यहाँ पे हंगामी मकसद है करने का कि कल रात से फैसलाबाद के अंदर एक हरासमेंट फैला के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हलके के बंदों को लिफ्ट कर रही है, हमारे बंदों को उठा के पता नहीं कहाँ पे लेके जाया जा रहा है। अभी तक 8 से 9 लोग जो हैं उनका पता नहीं लग रहा। हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि उन्हें उठा के, उन्हें मार पीट के, उनसे इस टाइम वो लोग कोई बयानात करवा रहे हैं, कोई किसी किस्म का पर्चा जो पहले नोटोरियस से लोगों के ऊपर था वो ओपन करवा के राणा साहब को उसके अंदर मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सुनने में ये आ रहा है कि मॉडल टाउन को रीओपन कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी नैब की कोई केसेस बनाए जाएंगे, कभी सुनने में ये आ रहा है कि जी जो राणा साहब के राइट हैंड और उनके भाइयों की तरह थे भोला गुज्जर साहब का केस खोला जा रहा है, उन लोगों के ऊपर रेड किए जा रहे हैं जो उनके घर वाले हैं, कि आके किसी तरह से उनके बयानात को रिकॉर्ड किया जाए। ये अजियतें और ये जुल्म की रात जो ये हमारे ऊपर लेके आए हैं, मैं आपके तवज्जो से इमरान अहमद नियाज़ी साहब को
उनके इंटीरियर मिनिस्टर जो मुशर्रफ की बाकियात हैं, जो जेल के आईजी हैं जेल खाना जात के, जो सीएम पंजाब हैं, जो उनके तर्जमान हैं, जो जेल का सुप्रीडेंट है, मैं और मेरी वालदा और हमारी फैमिली आपके तवस्से से ये कह देना चाहते हैं कि अगर राणा सनावला खान साहब की ज़ात को मेडिकली उसके अलावा किसी किस्म का नुकसान उनकी ज़िंदगी को पहुँचाया गया तो हम पर्चा इन लोगों के नाम और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब सिलेक्टेड हैं इमरान अहमद नियाज़ी साहब उनके ऊपर कटवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके तवस्सुल से ये मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह आज भी हमें थ्रेट कॉल्स आई हैं, आज भी हमें डराने की कोशिश की गई है, मेरी वालदा को मतवातर थ्रेट कॉल्स आ रही हैं अननोन नंबर से, उन्हें कभी डराया जाता है, उन्हें कभी कहा जाता है कि तू चुप करके क्यों नहीं बहंदी, उन्हें कभी ये कहा जाता है कि हम फलां केस ओपन कर देंगे। हमारे सोर्सेज ने आज बताया है कि शहरियार आपको ज़िंदगी का ख़तरा है, आपको ये शूट कर देंगे अगर आप आगे बढ़े इस लेवल पे गए हुए हैं, अपनी वालदा को चुप करवाएं। राणा सनावला खान साहब एक शख्स नहीं, एक शख्सियत नहीं, एक नज़रिया हैं, वो मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं, उनके जो केसेस बिला जवाज उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं, उनके साथियों को करीबी साथियों को उठाया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है ताकि इन केसेस को रीओपन किया जाए। मैं आपसे भी सवाल करता हूं, आपसे भी ये बात करता हूं कि आप लोग भी जानते हैं, आप भी इसी माशरे में रहते हैं, लेकिन आपके तवस्सुल से मैं हमारे ये जो सैफरान के मिनिस्टर हैं शहरियार अफरीदी साहब, इन्होंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले दिन इनका मौक़िफ़ था कि राणा साहब के बारे में तो हमें पता नहीं इस मामले के बारे में, और तीसरे दिन बाद कह रहे हैं कि जी हम तीन वीक से तीन हफ्तों से उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनको इसलिए नहीं हमने पकड़ा कि उनके साथ उनकी फैमिली मूव करती है, उनकी इसी बात के ऊपर तजाद आ गया। चले मैं इस बात को भी पीछे छोड़ देता हूँ, वो फुटेज तो लेके आए, वो किसी किस्म की फ़ोटो तो लेके आए कि जो राणा साहब को पकड़ते हुए बनाई गई, मैं इसको भी पीछे छोड़ देता हूँ। ये पाकिस्तान के सच्चे शहरी बनते हैं हमारे शहरियार अफरीदी साहब, मैं आपके तवस्से से उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो उनके भतीजे ने किया था, जो उनके भतीजे को पकड़ा गया था, पहले उस केस का तो बताएं हमें। आप एक शरीफ शहरी को डरा रहे हैं, उसकी ज़बान को बंद कर रहे हैं, उसकी ज़बान को ताला लगाना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान नए की, ये मदीने की रियासत की जो जिस किस्म से रख रहे हैं, ये इंशाल्लाह 22 करोड़ अवाम जल्द इनके गिरेबानों पे हाथ डाल के इंशाल्लाह इनसे हिसाब भी लेगी। और मैं तो इस टाइम इस जुल्म को इंशाल्लाह बर्दाश्त कर जाऊंगा, मेरी फैमिली कर जाएगी, मेरी वालदा डट गई हैं, लेकिन इसका हिसाब आपको 22 करोड़ अवाम को देना पड़ेगा। जिस तरह आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मेशियत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, जिस दिन बजट आना है उस दिन आसफ़ जरदारी साहब को अरेस्ट किया जाता है, हमजा शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया जाता है, जिस दिन बजट को इम्प्लीमेंट करवाना है उस दिन राणा सनावला खान साहब को अरेस्ट किया जाता है। आज सुबह ही मैं सोशल मीडिया पे क्लिप सुन रहा था, हमारे सीनियर एंकर पर्सन को थ्रेट दिया जा रहा है कि आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। ओ भाई, आप किस किस का मुंह बंद करेंगे, आप किस किस तरह लोगों को उनका ध्यान भटकाएंगे? ये तो हमारा मुल्क है, ये हमारी माँ है, ये हमारी मादरे मिलत है, इसके इस्तकामत के लिए हम लोग सब सीसा पलाई दीवार के तरह खड़े हैं। हम मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, हम शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, हम अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। राणा सनावला कल भी नवाज शरीफ का सिपाही था, आज भी नवाज शरीफ का सिपाही है, और इंशाल्लाह कल भी नवाज शरीफ का सिपाही रहेगा। शुक्रिया।
बस ठीक है प्रोडक्शन ऑर्डर। बस एक तो इन लोगों ने मुझे पूछा था प्रोडक्शन ऑर्डर राणा साहब के लेने हैं, मैंने कहा नहीं मैं थूकती भी नहीं हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर पे, और बिल्कुल भी हमने नहीं लेने किसी से, कोई हमने भीख नहीं लेनी। इसलिए जो मर्जी ये केस खोल रहे हैं ना, तो मैं इनको कह रही हूँ बिस्मिल्लाह करें और मिंट लगाए। ये सारे जो केस लेकर हमें डरा रहे हैं ना, तो मैं तो ना डरने वाली हूँ और ना मैं झुकने वाली हूँ। और जो मेरे मैं आज सिर्फ मैं राणा साहब के लिए नहीं आई, ना मैंने कोई राणा साहब के लिए कोई सफाई देनी है ना, या मैं कुछ और करना है। मैं सिर्फ आज अपने हलके के बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए जिनके साथ ये रात से ज़्यादती कर रहे हैं, और मैं इनको एक बात बता दूँ, अगर मेरे यहाँ पर किसी बच्चे का कोई नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार इमरान खां होगा और उसका अंपायर होगा। दोनों को मैं अपने हाथों से मारूंगी, जो मर्जी इसका अंपायर कर ले। मुझे ना इसके अंपायर से डर लगता है, ना इमरान खान से डर लगता है। मुझे डर लगता है तो सिर्फ़ एक रब की ज़ात से लगता है। और अगर मेरे बच्चों को किसी ने कुछ किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये एक माँ का आज आप लोगों के सामने है कि अगर मेरे बच्चों को किसी ने कुछ कहा, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बुजुर्ग हैं, अगर किसी का नुकसान हुआ तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और जो ज़िले इंतज़ामिया कर रही है, वो डेरे पे आके राणा साहब का ऑफिस तोड़ रही है, तो फिर क्या निकाला यहाँ से? उनका ऑफिस तोड़ के गए हैं, उनकी मेरे ऊपर से सारी चीज़ें तोड़ के गए हैं। अब मैं आके सफाई करवाई, मैंने पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को ऊपर लेके जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरी अपनी ज़ात का हो जाएगा। मैंने अपनी ज़ात के लिए, राणा साहब की ज़ात के लिए कोई आप लोगों को सफाई नहीं देनी। मेरी सफाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, इस कलमे की कसम, इस कलमा पाक की कसम और इस कुरान की कसम, इसकी गवाही राणा साहब के अल्लाह मियाँ उनके बंदों के मुंह में डाल के राणा साहब की सफाई देगा। हमने राणा साहब की सफाई हमने फैमिली ने नहीं देनी, आप लोग दोगे जो कि दे रहे हो। और ये आप लोग का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं बुलाया भी नहीं और आप लोग मेरे पास साथ खड़े हो। लाहौर में बच्चे इतना मुझे प्यार कर रहे हैं, इतना मेरा ख्याल रख रहे हैं। जिस दिन मैं राणा साहब को उन्होंने कैंट ऑफिस में लेके गए हैं, तो मैं शैयर के साथ वहाँ चली गई, तो उन्होंने शैयर को धोखा दे दिया कि नहीं नहीं यहाँ पर हमारे पास नहीं है, आप चले जाएँ, हम कुरान पर आपको हलफ देते हैं कि हमारे पास नहीं है। मेरी गाड़ी में कुरान हर टाइम रहता है। मैंने इसको कहा शैयर चल आज कुरान पे ही बात कर लेते हैं। जब वहाँ पे मैं गई हूँ, मैंने कुरान उठाया हुआ था हाथ में, मैंने इसको चीमा था उनका अफसर कोई, मैंने उसको कहा, मैंने कहा चल मुझे हाथ लगा के दे दे कुरान पे और मुझे कह दे कि राणा साहब यह नहीं है। वो तकरीबन 7 फुट पीछे हुआ है और उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं, मैं आपको अभी बताता हूँ, आप 2 घंटे के लिए चली जाएँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा नहीं, उसी टाइम पर मगरब की अज़ान हुई है, मैंने वहीं पे मगरब की अजान नमाज़ पढ़ी है, मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है, मैंने अपना जो कुछ था वहाँ पे मैंने अपना करके मैं आराम से वहाँ बैठी रही हूँ। 12:30 बजे मुझे उन्होंने आके कहा है कि नहीं अभी हम आपको राणा साहब से मिलाते हैं। जब मैं गई हूँ तो आगे सीढ़ियाँ 3 सीढ़ियाँ चढ़ के जब मैं अंदर ऑफिस में गई हूँ, तो उन्होंने एक साइड पर राणा साहब को बिठाया हुआ था और राणा साहब ने भरपूर स्माइल दी मुझे। उन्होंने कहा मुझे पता सी कि तू ही होएंगी बार, उनको कह रहे थे कि आपके कुछ बंदे खड़े हैं और आप उनको एक मैसेज दे दें कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। राणा साहब ने उनको कहा कि नहीं, मैं जब मुझे पता ही नहीं कि मेरा कौन बंदा बाहर खड़ा है, अब आप मुझे एक बंदा मिला दें तो मैं चला जाऊँगा, वो मैं उनको भेज दूँगा। जब मैं राणा साहब के पास गई हूँ तो वो मुझे कहने लगा, राणा साहब बाजी को बताएं ना आपके पास से हीरोइन निकली है। तो राणा साहब ने कहा मेरे पास से कोई हीरोइन नहीं निकली। इन्होंने मेरे मोटरवे पर जब मैं हम लोग टूल प्लाजा से बाहर निकले हैं, इन्होंने मेरी गाड़ी रोकी है। मैं पहले समझती थी कि शायद मेरा ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था, नहीं मेरा ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा था, उनके बंदों ने गाड़ी चला के राणा साहब की वो अपने कैंट ऑफिस में लेके आए। और जब लेके आए तो कहते वहाँ पे उन्होंने मुझे आके बताया कि ये बैग आपका है। राणा साहब ने कहा ये मेरा बैग नहीं है। तो ये सारा कुछ बातें करने के बाद जब मैंने उन वहाँ पर कहा ना, मैंने कहा राणा साहब आपने परेशान नहीं होना किसी बात पर, उनका मैंने BP चेक किया, उनकी मैंने शुगर चेक की, इसलिए कि उनके मेडिसिन बॉक्स में मैंने हर ज़रूरत की उनकी चीज़ रखी होती है। जब हमने चेक किया तो BP भी शूट था और शुगर भी शूट थी उनकी। मैंने उन्होंने पूछा कि आपने क्या खाया है, उन्होंने कहा मुझे ना, मैंने तो अभी कुछ नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर जो उनका ब्रिगेडियर था वो उनके लिए खुद चाय लेके आया,
चाय थे, बिस्किट थे, उनको दिया। जब उन्होंने, मैंने उनको मेडिसिन वगैरह खिलाई, तो फिर उन लोगों ने मुझे खुद अपनी सफाई दी कि पता नहीं उनके क्या दिल में आया या क्या क्या हुआ। ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ। उन्होंने मुझे कहा, बहन हमें बददुआ ना दे के जाना, हमें बददुआ ना दे के जाना। हमें तो खुद 1:30 बजे पता चला कि राणा साहब के साथ क्या करना है। ये उन लोगों को भी, बेचारों को, बच्चों को नहीं पता था कि राणा साहब के साथ क्या जुल्म करने लगे। और मैंने उनको वाकई नहीं कहा। फिर मुझे राणा साहब से मिला के जब छोड़ने आए हैं तो सारी दुनिया खड़ी थी वहाँ पे। उन्होंने तब भी कहा कि बहन हमें बददुआ ना दे के जाना। तो मैं बददुआ नहीं देती हूँ किसी को, मैं सिर्फ अपना सब्र देती हूँ। और जब अल्लाह को अब सब्र अपना दे के अल्लाह अपना सब्र डालता है ना, तो फिर आप लोग सारे देखोगे जो आज मुशर्रफ का हाल हो रहा है। मुशर्रफ को भी राणा साहब का सब्र ही आज पड़ा हुआ है। ये कह देते हैं ना कि जो जेल जाता है और वो कर लेता है, हमने तो ये किसी को नहीं कहा। लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट जो इनकी पिछले दिनों से बीमार है, वो हमारे देनी ज़रूरी थी। और जो उन लोगों ने वो उनको नशावर चीज़ें देनी शुरू की हुई हैं वहाँ पे, वो आप लोग अब खुद देख लेना। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें मिलने भी नहीं दे रहे और उनका मेडिकल भी नहीं करवा रहे। ये हमने एप्लीकेशन दे दी है, मेरे ख्याल में सुबह बोर्ड बैठेगा तो फिर हमको पता चलेगा कि राणा साहब की तबीयत कैसी है। ये मैं कोई अपनी सफाई में या किसी की सफाई में हम कोई बात नहीं करेंगे। हमारी सफाई अल्लाह मियाँ देगा। और आज आने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरे हल्के के बच्चों के, मेरे बुज़ुर्गों के, मेरे भाइयों के साथ ये जो ज़्यादती कर रहे हैं, इसके साथ ये सब मेरे भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, हम लोग पूरे एतमाद के साथ हैं। हमें कोई चोरी का डर नहीं है, कोई झूठ का डर नहीं है। अगर हम झूठे होते तो आज आप लोग के सामने ना होते। कई लोगों ने कहा कि वो राणा साहब की फैमिली भाग गई है। हम भागे नहीं थे बच्चे, हम लोग सिर्फ देखने गए थे कि राणा साहब को किधर ले गए हैं। आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं और शाहिया आके बैठ गए हैं। जो इंतज़ामिया ने करना है वो आके कर ले हमारे साथ। मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है और किसी चीज़ से हम नहीं डरते सिवाय रब की ज़ात से। अगर आप लोगों ने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। नहीं, हम लोग चैलेंज कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि ये जो लीगल टीम है ये करेगी जो करना है इन्होंने। लेकिन मुझे यही है कि मैंने भी किसी से नहीं मांगनी। तो आप देख, खुद देखो ना, आप लोगों ने कोई पहली दफ़ा राणा साहब को तो नहीं ना देखना कि जब वो एक दरवाजे से आ रहे हैं, मेरा 33 साल का उनका साथ है और मैं नहीं पहचान रही हूँ कि ये बुज़ुर्ग कौन आ रहा है। मैं बुज़ुर्ग कह रही हूँ जो उन लोगों ने उनका हशर किया हुआ है, ऐसे थे। और एक ने इधर से पकड़ा था, एक इधर से पकड़ा हुआ था। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आपके बहुत सारे साथी जो राणा साहब के साथी थे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है, वो इत्तेजाज में भी नज़र नहीं आए। इसका मतलब है कि अब सिर्फ वो लोग आपके साथ चलेंगे, जो मुश्किल में चलने वाले, जो अच्छे वक्त में साथ थे, वो चले गए। उनको डरा के भगाया हुआ है, उनके पीछे जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं हम लोग का पता कि उनको रेस्ट कर लिया हुआ है। कई ऐसे मेरे भाई हैं जिनका हमें फ़ोन भी नहीं मिल रहे। हमें जो बंदा एक मुझे फ़ोन करके बता रहा है कि बहन हम पहुंच रहे हैं आपके पास, तो अभी तक नहीं पहुंचे। उनकी कोई रीज़न होगी ना। जैसे आप उनका पता करें, वो किधर है। मैं खुद आप लोग हमें तफ्तीश है। सर, चंद लोगों का पता है, 7-8 लोगों का, कि वो कल रात से उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाइयाँ जा रही हैं और हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोग हरासमेंट उनकी इतनी कर चुके हैं, उनको डरा इतना चुके हैं कि जिसकी वजह से वो लोग जो हैं कहीं सामने नहीं आ रहे। उन्हें कह रहे हैं चुप करके बैठ जाएं, नहीं तो आपको, आपके ऊपर FIR कर दी जाएगी, आपको ऐसे कर दिया जाएगा, वैसे कर दिया जाएगा। हमें पैनिक क्रिएशन, किसी पर शक नहीं कर रहे। हमें उनकी मजबूरी का अंदाज़ा है कि उनके साथ वो क्या इंतजामिया क्या कर रही है। और ये आप लोगों को भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अरनजर में जो राणा सनावला साहब की तस्वीर वायरल हुई है जेल के अंदर, जो स्टाफों के पीछे खड़े, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि वो तस्वीर कैसे वायरल हुई है? कह रहे हैं कि जब मुलाकात के लिए आए थे तब वायरल हुई। मुलाकात नहीं, ये झूठ बात है। ये उस दिन की बात है जिस दिन अरेस्ट हुए हैं।
ये कपड़े भी उन्होंने वही पहने हुए थे और ये अंपायर ने और इमरान खान ने बाजी को मुझे डराने के लिए वो उसका उसकी लॉजिक ये थी ना कि हम लोग जब जेल से निकले हमने मीडिया टॉक की है, राणा साहब की सिचुएशन आप तक पहुंचाई है, आपने 22 करोड़ अवाम तक पहुंचाई है, तो उसी टाइम वो क्यों फिर रिलीज हुई? यहाँ तो पहले दिन करते वो रिलीज, उसी दिन वो क्यों रिलीज हुई? उसका मकसद ये था कि ये जो उनकी फैमिली है वो झूठ बोल रही है, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है। शुक्रिया जी, थैंक यू।